नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूबी एक छोटे से चौल में रहने वाली थी, जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी और उसे विक्रम नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। और इसी प्यार में विक्रम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है और रूबी को अपने घर लाता है। घर आते ही विक्रम अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने शादी कर ली है, अब आप माने या ना माने, मैं रूबी से प्यार करता था और उससे ही शादी भी कर चुका हूँ। मैंने तुझे इतनी छूट क्या दी कि तू अपने माँ के खिलाफ जाकर बहू ले आया? मुझे कहता तो मैं एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती तेरे लिए। लेकिन मेरा प्यार तो रूबी है ना माँ। कोकिला विक्रम को सुनाते हुए रूबी का घूंघट उठाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि रूबी वाकई बहुत सुंदर थी, जिसे देखते ही कोकिला विक्रम से कहती है, बेटा मुझे कहा होता तो मैं तेरी शादी धूमधाम से करवाती, कितनी सुंदर बहू लाया है तू, मेरा तो सारा गुस्सा शांत हो गया। सच में माँ, आपको रूबी पसंद है? हाँ हाँ, मुझे रूबी पसंद है। बेटा रूबी आओ, वाकई तुम बहुत सुंदर हो। रूबी ये सुनते ही जॉनी लिवर के स्टाइल में अपनी सास कोकिला से कहती है, अपन का नाम छोटा छतरी है, बोले तो जॉनी भाई की फैन। बहू कॉमेडी कर रही है ना, बहुत फनी है तू। अपन को छोटा छतरी के नाम से चौल में अपने पंटर लोग बुलाते हैं, तो तुझे भी अपन का नाम तमी से लेना पड़ेगा बुढ़िया, समझी क्या? विक्रम, ये है तेरी चौल वाली सुंदर संस्कारी बीवी। माँ रूबी जॉनी लिवर सर की फैन है। इससे तूने कैसे शादी कर ली, तुझ में दिमाग नहीं है, देख कैसे बात कर रही है ये। तेरे बेटे ने अपन से शादी प्यार के वास्ते की है, जॉनी भाई की भाषा में बोले तो ये मेरा पति, मैं इसकी पत्नी, भर दी इसने मेरी मांग, वरना देती इसके कान के नीचे एक फटनी। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए, न जाने कैसी बहू ले आया मेरा बेटा। माँ आप क्या लेकर बैठ गई हो, रूबी तो सिर्फ जॉनी लीवर की फैन है और कुछ नहीं। ऐसा फैन होने का क्या ही फायदा कि किसी से बात करने की तमीज ही ना हो। अगले दिन देर शाम कोकिला की पड़ोसन कमला आती है रूबी को देखने, और वो कोकिला से कहती है, कोकिला तेरे तो भाग्य ही खुल गए, सुना है बहुत ही सुंदर बहू लाया है विक्रम, अब चल जल्दी से मुंह दिखाई कर दे अपनी बहू की। ये कमला ना जाने कहां से आ गई है, मेरी बहू ने अपना गटर जैसा मुंह खोला तो सब गुड़ गोबर हो जाना है, अब क्या करूं? कोकिला किस सोच में डूबी है, चल मैं ही बुला लेती हूँ तेरी नई नवेली बहू को। ये बोलकर कमला हॉल से ही रूबी को आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू कहाँ है, जरा बाहर तो आ जा। ये सुनकर रूबी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और कमला रूबी को देखकर कहती है, अब आ गई है बहू तो मुंह दिखा दे। अबे ओ गुड नाइट के मच्छर, मेरे दिमाग पर सवालों का मंजीरा काहे को बजा रह लिया है, तुझे मेरा थोपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? राम राम बहू, क्या बोल रही है, मजे ले रही है क्या अपनी सास से? ये तानपुरे की तरह कब से बजे जा रही है, तेरा मुंह काहे को बंद नहीं होता, मैं देख रही ली है ना अपना चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने मुझे बनाया, समझी क्या? कोकिला मस्त बहू मिली है तुझे, फुल एंटरटेनिंग। कमला तू चुप कर, देख लिया ना बहू को, अब जा। एक तो मेरा बेटा ना जाने इसे कहाँ से उठा लाया है, और एक तू है जो मेरे जले पर नमक छिड़क रही है। ए बुढ़िया उंगली मत कर, तू मेरे मोहब्बत के बीच में, नहीं तो तेरे को दफना डालेगी मैं जूहू के बीच में। बहू मजा आ गया, क्या बोली है तेरी। चल तू निकल कमला अभी मेरे घर से, एक क्या कम थी कि दूसरी भी आ गई। अरे कोकिला तू तो बुरा मान रही है, कितनी प्यारी है तेरी बहू। ए बुढ़िया उसको क्या भगा रे लिए रे तू, बादशाह है अपन, समझी क्या? तभी तो बादशाह के पास बादशाह नहीं आएगा तो क्या गुलाम आएगा, कुछ भी बोलती है रे तू, एकदम बकवास माफिक। कमला को रूबी का बोले तो शानपति वाला अंदाज बहुत पसंद आता है, जिसकी वजह से अब कमला का आना जाना कोकिला के घर पहले से ज्यादा होने लगा था। एक रोज कोकिला के पिताजी और विक्रम के नाना जी प्रकाश का आना होता है, और वो आते ही विक्रम की बहू को बुलाते हैं। कोकिला तेरी बहू कहाँ है, बुला बहू को। पिताजी वो काम कर रही है, आप बैठो ना। अरे बेटा मैं तो उससे ही मिलने आया हूँ। ये सुनकर कोकिला रूबी को आवाज लगाती है और अपने मन में सोचती है, न जाने अब ये मेरे पापा के सामने क्या बकवास करेगी। कोकिला ये सोच ही रही थी कि तभी रूबी आती है और अपनी सास को कहती है, ए तेरे को कितनी बार समझाऊं मैं कि अपन को छोटा छतरी बुलाने का, तेरे दिमाग में मेरी बात घुसती काहे को नहीं है।
बहू, विक्रम के नाना जी और मेरे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। कौन है रे? चालू एपिसोड में कमर्शियल ब्रेक की तरह बीच में आ गया। अब बताया ना बहू, ये तुम्हारे भी नाना जी हुए। अच्छा, तो ये है विक्रम के नाना जी, बोले तो अपन के भी नाना जी हुए। बहू, कम से कम पिताजी के सामने तो इज्जत से बात कर, वो हमसे बड़े हैं। आप जिस स्कूल में केजी में पढ़ रही हो ना सासू माँ, हम उसके प्रिंसिपल हैं। समझ में आया क्या? बहुत चोल से है ना, तो इसकी भाषा ऐसी है। कोई बात नहीं, यहाँ रहेगी तो सब सीख जाएगी। अबे सड़े हुए आम की गुठली, बिगर चाय की केतली, पान की पोटली, बगैर आँख की पुतली। बहू, ये तो क्या बोले जा रही है? माफ करना मांगता अपन को नाना जी, डर गए ना आप? ये तो अपनी फिल्म का डायलॉग है। क्या बात है बहू? पापा जी, आप भी, ये क्या हो गया है मेरे पूरे घर को? ओ सासू माँ, हम है दुईधारी तलवार, ऐसन करेंगे वार, जिंदगी कर देंगे तोहरी बेकार। ये हमारे इधर का भाषा बोली हो तुम बहू। बोले तो रवाज ना नाना जी। अभी मजा आया ना भिड़ू? अरे नाना जी, आपको तो अपन की पलटन में होना चाहिए था। सही कह रही हो बहू, तुमसे मिलकर मजा आ गया। मेरी बेटी तो है ही शुरू से नकचिड़ी, जाने दे, तू बिंदास रहे यहाँ। देर शाम ही नाना जी तो चले जाते हैं, लेकिन कोकिला को तो इस बात का गुस्सा था कि उसकी बहू ने उसके पापा जी को भी अपनी तरफ कर लिया। ऐसे में कोकिला रूबी से कहती है, बहू तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी चौल वाली छपरी भाषा बंद कर, तुझे समझ क्यों नहीं आता? बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, अरे बाबा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अरे बाबा मुझे माफ कर दे। बहू ये क्या कर रही है तू? छोड़ मेरा पैर, छोड़ ना बहू। माँ जी, आपको मेरा एक कैसा लगा? एकदम मस्त ना? बहू बहू बहू, बहुत हो गया। अभी मजा आया ना बीड़ू? चुप कर बहू, मुझ पर रहम कर दे और जा, जाकर चाय बना दे विक्रम के लिए। माँ जी, आपको मालूम होना मांगता कि एक मर्द कब पीता, क्या पीता, कैसे पीता, ये जानकारी रखना हर भारतीय नारी का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। हाँ मेरी माँ, अब हो गया वो तेरा एक्ट, तो जा यहाँ से। कोकिला अब तो और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। समय बीतता है, एक रोज बिजली वाला बिजली का बेल देने कोकिला के घर आता है, और जैसे ही डोर बेल बजाता है तो रूबी गेट खोलती है। तभी बिजली वाला रूबी से कहता है, घर में कोई है क्या? ओ अकल से तो तू मेरे को अंधा ही दिखता है, आँख का भी अंधा लगता है क्या? तेरे को सामने छोटा छतरी खड़ा नहीं दिखेला है क्या? छोटी छतरी? और आप? हाँ मैं, तेरे को क्या काम है? मैं बिजली विभाग से हूँ। और मैं करंट विभाग से, बोले तो तेरे को शॉर्ट सर्किट दूँ क्या, वो भी 440 वोल्ट का? नहीं जी नहीं, आप तो बड़ी फनी है। सरक अभी यहाँ से, वरना निगल जाएगी मैं तेरे को, समझा क्या? तभी ये सब सुनकर कोकिला आती है, जिसे देखकर रूबी अपनी सास से कहती है, भोपू के माफिक बचता ही जा रहा था। कौन था बहू? हाँ कोई अनाथ आश्रम का लीडर चवन्नी मांग रहा था मोदी के जमाने में। ये सब कोकिला भी सुन रही थी, लेकिन वो अपना सर पीट कर खुद से बोलती है, हे भगवान, क्या बहू दी है आपने, बोले तो झक्कास, और जॉनी भाई का शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।